केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना पड़ेगा, जिसके लिए वहां से आप गाड़ी बुक करेंगे, जिसका किराया 30 से 40 रुपये पर पर्सन है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। अगर आप केदारनाथ मंदिर समय पर पहुंचना चाहते हैं और शाम की आरती लेना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से सुबह सुबह ही निकलें गौरीकुंड के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। आपकी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से होती है। ध्यान है कि गौरीकुंड से ही आप स्टिक या डंडा ले लें, क्योंकि आपको चढ़ाई में आसानी होगी, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में काफ़ी चढ़ाव और उतार काफ़ी ज़्यादा है। और आपने जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था कोविड का, या अगर आपने नहीं कराया है तो आप सोनप्रयाग में ऑफलाइन मोड के थ्रू करा सकते हैं। और जो भी पेपर आपको मिले उसको संभाल के रखना है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपका कोविड रजिस्ट्रेशन चेक किया जा सकता है। हेलो, गौरीकुंड की तरफ राइट। अभी आप देख लोगे मंदाकिनी का। पूजा करता हुआ ट्रैक की स्टार्टिंग। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको पीने के पानी की कहीं भी कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हर जगह झरना ही झरने मिलेंगे हर 1 किलो या 2 किलोमीटर के। बस आपको करना क्या है, आपको अपने पास एक खाली बोतल रखनी है ताकि उसको आप रिफिल कर सकें और अपने आप को हाइड्रेट कर सकें। ध्यान रहे यात्रा के दौरान आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या ग्लूकोज का भी यूज़ करें, ताकि आपको क्राइम जैसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े जब आप यात्रा के एंड पे हों। यात्रा के दौरान काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ध्यान रखें जब आप यात्रा करें तो जितने भी साइन बोर्ड होते हैं उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा ये डेंजर जोन कौन सा है, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और ये सिचुएशन सेम हमारे साथ भी हो चुकी थी कि हमने कुछ 20 सेकेंड ही हुआ था हमें क्रॉस करे हुए और एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से नीचे आ गिरा था। यात्रा करते समय आप जल्दबाजी ना करें, लंबे लंबे स्टेप ना लें, क्योंकि आप इससे थक सकते हैं और आपको काफ़ी लंबा रेस्ट लेना पड़ेगा और इस वजह से आप मंदिर तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। हेलो, हाँ आगे कूद जाता हूँ। स्नोफॉल हो रहा है और ये जोन लग गया। ग्लेशियर पूरा जमा पड़ा बर्फ।
अगर आप भी केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अपने पास रेनकोट जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पे मौसम का जो मिजाज है वो हर एक सेकेंड हर एक मिनट चेंज होता रहता है। कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी स्नोफॉल होता है। महादेव के करीब बस कुछ ही क्षण में दर्शन होने वाला है। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे, चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे, चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। सुबह की आरती के बाद हमने पूजा भी करवाई मंदिर के बाहर, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कारण मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। और हाँ, आप केदारनाथ मंदिर के पीछे जो कुंड है उसको उसमें से अमृत कुंड ले जाना ना भूलें। शाम मंदिर पहुँचने से पहले मेरे दोस्त की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसको एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था जिस वजह से वो काफ़ी डर गया था। और उसने डिसाइड किया कि हम केदारनाथ टेम्पल से जब नीचे ट्रैक डाउन करेंगे तो हेलीकॉप्टर के थ्रू करेंगे, और जिसका चार्ज हमें 2360 रुपये पड़ा। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट एविएशन कैंप से पता कर सकते हैं, जो सबके चार्जेस हैं वो डिफरेंट हैं। हाँ, अगर आपका वेट 80 केजी से अबव है तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। आप चाहें तो उनसे रिक्वेस्ट करके वो वेव ऑफ करा सकते हैं अमाउंट।